आज है नवरात्र का पहला दिन और मैं रेडी हो गई हूँ। वेलकम टू ब्राउन कैब, मैं हूँ दीक्षा और आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है नवरात्र का पहला दिन और आज माता सबके घरों में आ चुकी हैं। नवरात्र का पहला दिन है और सभी लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे, तो मैं भी चलती हूँ मंदिर। और अभी मुझे मंदिर जाना है, वहाँ पे मैं दर्शन करूँगी और वापस आकर के मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और आज नवरात्र में क्या मैं फलाहार बना रही हूँ उसकी भी मैं रेसिपी शूट करूँगी, तो आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आ गए मंदिर के लिए, तो बस दर्शन करेंगे। और आज मैंने पहन ली है साड़ी। तो बस मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया था और माता रानी का आशीर्वाद भी ले लिया है। आप लोगों की भी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और जिस जिस की जो भी ख्वाहिश है वो सब कुछ पूरा हो। तो बस मंदिर के अंदर तो मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया है क्योंकि भीड़ थी, तो आगे की वीडियो में बने रहिए। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम आ गए किचन में और यहाँ पर हमने मूंगफली को भून लिया है और क्योंकि आज सबका व्रत है तो आज सब लोग फलाहार ही करेंगे, तो यहाँ पर मूंगफली को भून लिया है। और ये रही हमारी लौकी, तो इसको अभी मैं बनाऊंगी। और साथ ही मैंने आलू को बॉयल कर लिया है तो इसको छील करके मैं अभी इसको भूनने जा रही हूँ। तो बस ब्लॉग में बने रहिए। और अब मैं मंदिर से घर आ गई हूँ और मंदिर से आने में मुझे 11 बज गए हैं और हम लोगों ने चाय पी लिया था एक बार और उसके बाद मैं फटाफट जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अभी दिखाया है कि आलू बॉयल हो गए थे, तो बस मैं उसके छिलके उतार लूँगी और इसको भूनूंगी। और एक तरफ मैंने लौकी को बारीक बारीक काट लिया है तो उसको भी मैं भूनूंगी। और ये सब मैं जो है देसी घी में बनाने वाली हूँ। व्रत की सारी चीज़ें देसी घी में ही बनती है और कोई तेल निषेध होता है नवरात्रि में बनाना, और ये चीज़ तो शायद सबको ही पता होगी। और बहुत सारे लोग जीरा हरी मिर्च यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में ये सब चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं और कुछ लोग सेंधा नमक भी खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो जिनके घरों में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो यूज़ करके बनाइएगा। तो यहाँ पे मेरा आलू जो है भून के तैयार हो गया है, अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। और अब मैंने लौकी को जो है फ्राई करने रख दिया है, 10-15 मिनट में ये भी हो जाएगी। और मैं जो बना रही हूँ, जब आप इसकी लास्ट की प्लेटिंग देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है। और खाने में बिल्कुल सब कुछ मिक्स करके बिल्कुल चाट की तरह लगता है। और यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ आधे घंटे में लौकी और आलू बनके तैयार हो गया था। अब मेरी बारी थी मखाना भूनने की। एक तरफ मैं मूंगफली को स्टार्टिंग में ही भून के रख ली थी, तो जब जैसे ही मखाना हो जाएगा तो मैं मूँगफली उसमें मिक्स कर दूँगी। और अब मैं चाय बनाने लगी हूँ, तो इसके साथ चाय अच्छी लगती है, तो थोड़ी देर में मेरी चाय भी बन के तैयार हो जाएगी। तो आप लोगों में से किन किन लोगों का आज नवरात्र का व्रत था,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हमारा सारा ही नाश्ता बनके तैयार हो गया है, तो अब मैं प्लेट में लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। और देखिए बहुत ही सुंदर लगता है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपका व्रत है तो। और आप लोगों में से बहुत से लोगों का 9 दिन का भी व्रत होगा, तो बस माता रानी सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। और बहुत जल्द मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो जिस तरीके से आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं ऐसे ही पसंद करते रहिए। तो बस अब हमारी फाइनल प्लेट बनके तैयार हो गई है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है ना। तो और इसके साथ ही हमारी चाय भी बनके तैयार हो गई थी, तो चलिए अब चाय को निकाल लेते हैं कप में और सबको सर्व करते हैं। कल मेरी वीडियो नहीं आई थी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती गैप करना, तो मेरी कोशिश रहेगी कि अब से मेरी वीडियो रेगुलर आए। और आज थी नवरात्रि, तो नवरात्रि का व्लॉग तो आना कंपलसरी था। तो बस ये रही आज की मेरी वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।